हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का नाम है अलीशीन वंडरलैंड। यानी हमने एक लेशन पढ़ा था, अलीशीन वंडरलैंड, यानी कि वो एक वंडरलैंड की दुनिया में। तो वो अलीश कैसे वहाँ पे पहुँचती है, तो वो एक रैबिट का पीछा करते करते वहाँ पे पहुँच जाती है। तो वो स्टोरी हमने आगे के वीडियो में देखी थी। अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर, यानी कि अब हम फिलअप करते हैं उसकी वर्कबुक। उस वर्कबुक में सबसे पहले दिए हैं आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि हमें एक क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है डिस्क्राइब द रैबिट दैट अलीश शो, यानी कि वो रैबिट या जो अलीश ने देखा था उसको डिस्क्राइब करो, यानी उसका वर्णन करो। द रैबिट वॉज वाइट विथ पिंक आइज एंड ही वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट। रैबिट कैसा था? वाइट था, उसकी आंखें पिंक थी और उसने क्या पहना था? ब्लू कलर का एक कोट पहना था। सेकेंड है व्हाट डिड द रैबिट डू एज ही हरीड अवे। रैबिट ने जल्दी जल्दी में क्या किया? तो एज द रैबिट हरीड अवे ही टूक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हीज वेस्ट कोट। उसने अपने वेस्ट कोट के पॉकेट में से एक बड़ी सी वॉच निकाली एंड सेड दैट ही वुड बी टू लेट। और वो बोला कि अरे मुझे बहुत ही लेट हो गया है। अलीश सॉरी रैबिट ने क्या किया? उसने अपने वेस्ट कोट के पॉकेट में से एक वॉच निकाली और बोला कि अरे ये तो मुझे बहुत ही लेट हो गया है। वॉट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट अलीश शो, यानी कि वो रैबिट था वो उसमें क्या अलग देखा अलीश ने? तो द रैबिट दैट अलीश शो कुड टॉक वॉर अ रेड वेस्ट कोट एंड कैरीड अ वॉच। उसने क्या अलग देखा कि ये जो रैबिट था वो बोलता था, उसने कोट भी पहना था और उसके पास एक वॉच भी थी। नेक्स्ट है वॉट डिड अलीश डू, वाई अलीश ने क्या किया और क्यों? तो अलीश फॉलोड द रैबिट। अलीश ने क्या किया? रैबिट को फॉलो किया, यानी उसके पीछे पीछे गई। बिकॉज शी वॉज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट हिम, क्योंकि वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस थी, यानी कि वो रैबिट के बारे में ज्यादा जानने के लिए बहुत ही उतावली हो रही थी और उसको आतुरता भी थी कि वो रैबिट के बारे में कुछ जाने। वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट कहाँ पे गया? द रैबिट जम्पड इन टू अ लार्ज रैबिट होल। रैबिट कहाँ पे गया था? तो रैबिट ने एक बड़े से रैबिट होल में जंप लगाया था और वो वहां पे गया। रैबिट कहाँ गया? तो हम लिख सकते हैं कि द रैबिट जंप्ड इनटू अ लार्ज रैबिट होल। उसने बड़े से रैबिट होल में जंप किया। नेक्स्ट है हाउ डिड अलीश रीच वंडरलैंड। अलीश वंडरलैंड यानी कि वो वंडरलैंड में कैसे पहुंची? तो अलीश अलीश फॉलोड द रैबिट। अलीश कैसे पहुंची? तो अलीश ने रैबिट को फॉलो किया था। जम्पड इन टू अ लार्ज रैबिट होल एंड रीच्ड अ वंडरलैंड। उसने पहले तो रैबिट को फॉलो किया, फिर उसने जो रैबिट होल था वहां पे जंप लगाया और वो फाइनली वंडरलैंड में पहुंच गई। व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड अलीशी, अलीश ने वहां पे कौन सी चीजें देखी? तो अलीश शो अ स्मॉल डोर, उसने क्या देखा वहां पे? एक छोटा सा डोर विच वॉज अबाउट 15 इंचीज हाई, और वो कितने इंचीज का था? 15 इंच का। एंड अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की और ईट, और एक ग्लास टेबल था और उसके ऊपर एक गोल्डन की देखी। वॉट डिड अलीश शी वेन शी ओपन द डोर, जब अलीश ने डोर को ओपन किया तो अलीश ने क्या देखा? तो वेन अलीश ओपन द डोर, जब अलीश ने डोर को ओपन किया, सी शो अ लवली गार्डन विथ अ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स। जब उसने डोर को ओपन किया तो उसने एक लवली यानी बहुत ही प्यारा और अच्छा सा गार्डन देखा और वहां पे क्या था? ब्राइट फ्लावर्स थे, बहुत ही चमकते हुए फ्लावर्स थे एंड कूल फाउंटेन्स, और वहां पे ठंडे ठंडे फाउंटेन्स यानी कि फुहारे भी लगे हुए थे।
डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द गार्डन दैट अलीश शो, यानी कि वो ऐसा बोल रहा है कि आपके सेंटेंस में, आपके वर्ड्स में, आपके शब्दों में उसको डिस्क्राइब यानी कि उसको वर्णन करो जो अलीश ने गार्डन देखा था उसका। तो अलीश शो अ लवली गार्डन, अलीश ने कैसा गार्डन देखा, बहुत ही लवली प्यारा गार्डन। इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, उसमें ब्राइट फ्लावर्स का एक बेड था। एंड कूल फाउंटेन्स, और बहुत ही ठंडे ठंडे कूल फाउंटेन्स भी थे। कूड अलीश गो इन टू द गार्डन, वाई, क्या अलीश वो गार्डन में जा पाई थी, क्यों? अलीश कुड नॉट गो इन टू द गार्डन, अलीश गार्डन में जा पाई नहीं थी। बिकॉज द डोर वॉज टू स्मॉल, क्योंकि वो डोर बहुत ही छोटा था। वॉट डिड अलीश विश, वाई, अलीश की इच्छा क्या थी, उसकी विश क्या थी और क्यों थी? तो अलीश विश द शी कुड बिकम स्मॉलर सो दैट शी कुड गो इन टू द गार्डन थ्रू द स्मॉल डोर। अलीश की इच्छा ऐसी थी कि वो फिर से एक बार छोटी हो जाए, क्योंकि वो छोटी हो जाती तो वो डोर में से वो इजीली गार्डन में जा सकती। तो अलीश की इच्छा थी कि वो स्मॉलर हो जाए। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस, अब हम देखते हैं हमारे करेक्ट ऑप्शंस। अलीश शो अ ब्लैंक स्कैम्पर बाय, अलीश ने कैसे स्कैम्पर बाय ने रन करते हुए देखा, अलीश ने किसको रन करते हुए देखा था, वाइट रैबिट, वाइट हेयर पिंक रैबिट की स्मॉल रैबिट, तो उसने क्या देखा था, वाइट रैबिट। द रैबिट हैड अ ब्लैंक आईज, रैबिट की आईज कैसी थी, ब्राउन रेड पिंक की ब्लू, तो रैबिट की आईज कैसी थी, पिंक। द रैबिट वॉज वियरिंग अ ब्लैंक कोट, रैबिट ने कैसा कोट पहना था, ब्राउन रेड पिंक की ब्लू, तो उसका कोट कैसा था, ब्लू। द रैबिट हैड अ ब्लैंक इन हिज वेस्ट कोट, रैबिट की वेस्ट कोट में क्या था, की, वॉच, लॉक की रिंग, तो क्या था, वॉच। द रैबिट जंप्ड इन टू अ, रैबिट ने कहाँ पे जंप किया, वैली, ट्री होल, रैबिट होल की वेल, तो रैबिट ने कहाँ पे जंप किया, रैबिट होल में। नेक्स्ट है अलीस लैंडेड ऑन अ, अलीस किसके ऊपर जाके गिरी, पील ऑफ फ्लावर्स, पील ऑफ क्लोथ्स, पील ऑफ बुक्स की पील ऑफ ड्राई लीव्स, अलीस किसके ऊपर जाके गिरी थी, पील ऑफ ड्राई लीव्स। अलीश शो अ स्मॉल, अलीश ने स्मॉल क्या देखा, की, डोर, गार्डन की लॉक, डोर। देयर वॉज अ ब्लैंक ऑन द ग्लास टेबल, ग्लास टेबल पे क्या था, गोल्डन की, गोल्डन लॉक, सिल्वर की सिल्वर लॉक, तो क्या था, गोल्डन की। व्हेन अलीश ओपनड द डोर शी शो अ, जब अलीश ने डोर ओपन किया तो उसने क्या देखा, लवली फील्ड, लवली गार्डन, लवली फॉरेस्ट की लवली लेक, तो उसने क्या देखा, लवली गार्डन। अलीश शो ब्लैंक फाउंटेन्स इन द गार्डन, अलीश ने कैसे फाउंटेन देखे गार्डन में, स्मॉल, गोल्डन, ब्राइट की कूल, तो कैसे फाउंटेन थे, कूल। अलीश विश्ड शी कूड, अलीश की इच्छा क्या थी, बिकम स्मॉलर, बिकम बिगर, डिसअपियर की गो बैक होम, तो बिकम स्मॉलर, उसकी इच्छा क्या थी कि वो फिर से एक बार छोटी हो जाए। उसके बाद है हु सेड दीस वर्ड्स, ये सेंटेंस कौन बोला है वो हमें लिखना है। ओह डियर आई विल बी टू लेट, ये कौन बोला था, रैबिट बोला था, द रैबिट। वेयर एम आई, मैं कहाँ पे हूँ, ये कौन बोला था, अलीश बोली थी। Will I slip through the earth or to the other side? क्या मैं, मतलब वो बोली कि मैं अर्थ की दूसरी साइड पे स्लिप कर रही हूँ, तो ये कौन बोला था, अलीश बोली थी। Oh my ears and whiskers, तो वो कौन बोला था, रैबिट। How I wish I could become smaller, कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं छोटी हो जाऊँ, तो ये कौन बोला था, अलीश बोली थी। अब है राइट द वर्ड्स मीनिंग, हमें वर्ड मीनिंग लिखने हैं। तो फर्स्ट है स्कैम्पर बाय, स्कैम्पर बाय का मतलब होता है रन यानी हरी, जल्दी जल्दी भागना या तो जल्दी में होना। फिर है वंडर्ड, वंडर यानी थॉट, सोचना। डिसअपियर्ड, नॉट बी सीन,
जो दिखाई नहीं देता वो, डिसअपियर्ड यानी जो दिखाई नहीं देता वो, फॉलोड वेंट आफ्टर, फॉलोड यानी उसके पीछे पीछे जाना, फॉलोड का मतलब होता है किसी के पीछे पीछे जाना, पॉप्ड डाउन वेंट डाउन क्विकली, पॉप्ड डाउन यानी जल्दी जल्दी से नीचे जाना, पिल हेप, पिल यानी एक बड़ा सा ढेर, डिलाइट जॉय हैप्पी खुशी हैप्पीनेस, जॉय डिलाइट यानी बहुत ही खुश होना हैप्पी होना वो। नेक्स्ट है उसमें राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे हमें टू राइम्स लिखने हैं, यानी कि उसके जैसा बोला जाता हो वो। मार्बल, तो यहाँ पे लिखा है मार्बल पर्पल डबल, यानी उसके जैसा साउंड आता है। क्राउड लाउड क्लाउड, स्नो ब्लो ग्रो फ्लो, आप कोई भी लिख सकते हो। ड्रिंक ब्लिंक सिंक, फिर है सीजन रीजन वॉन, उसके जैसा सिर्फ हमें या तो पीछे वाला स्पेलिंग आना चाहिए या तो उसके जैसा साउंड आना चाहिए। राइट क्वाइट ब्राइट, राइट का लिखा क्वाइट ब्राइट, फाइट आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको आता है। फाइल माइल वाइल, शॉक चौक लक, आया ना उसके जैसे साउंड। तो ऐसे राइमिंग वर्ड्स में आप कोई भी आपकी इच्छा से आप लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे अलिश इन वंडरलैंड की क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिर जो हु सेड दिस वर्ड्स वाला और वर्ड स्पिनिंग और राइमिंग वर्ड, ये जो पूरा था वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो ग्रामर्स के टॉपिक आते हैं, अब आगे जो ग्रामर के टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।